अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दुनिया में बहुत से ऐसे प्लेयर्स पाए जाते हैं जो कि अपनी बॉलिंग से लोगों के दिलों पर राज करते हैं, और बहुत से ऐसे बॉलर्स होते हैं जो कि रिटायरमेंट होने के बाद भी उनके कई मदा होते हैं जिनके दिलों में वो हमेशा से ज़िंदा रहते हैं। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे अजीम बॉलर थे जो कि स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस थे, बहुत ही तगड़े अजीम बॉलर थे, स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्वस थे, जिनमें से कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आ गए, लेकिन कुछ प्लेयर को बिल्कुल पाबंदी का सामना करना पड़ा। उनमें से पाकिस्तान के माया नाज फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ भी हैं, जिनके चर्चे आज भी हो रहे हैं और उनके चर्चे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स कर रहे हैं। कीवन पीटरसन ने कहा है कि वो वाहिद ऐसे बॉलर हैं जिनको खेलने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, और उन्होंने मज़ीद कहा कि मोहम्मद आसिफ जब बैंड हुए थे बहुत से बैट्समैन खुश हो चुके थे कि मोहम्मद आसिफ पर पाबंदी लग चुकी है स्पॉट फिक्सिंग की वजह से, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स उस वक्त थे मोहम्मद आसिफ को खेलने में बिल्कुल उन्हें दिक्कत होती थी, बिल्कुल मुश्किल से वो मोहम्मद आसिफ को खेल सकते थे। पीटरसन ने कहा कि ये वाहिद ऐसा बॉलर था जिसको खेलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती थी। मोहम्मद आसिफ के जितने भी फैंस हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह ने के पान।